मैं एसटीवी चैनल वालों को शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने हमारे इस पावन जो प्रकल्प हमने उठाया है उनमें सहयोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार, एसटीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खबर पर। सिवानी के छीर पिपरिया इलाके के जंगल में बीते 9 मार्च को मिली थी 27 वर्षीय युवक की छत बिछत लाश। मामले में टूंडा सिवानी पुलिस ने किया खुलासा करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी रामलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात का मुख्य आरोपी संतू लाल है, अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर नहीं बताया जा रहा है। मृतक कन्हैया लाल पुलसते मंडला जिले के नैनपुर इलाके का रहने वाला है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नैनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। मृतक सिकंदराबाद तेलंगाना में रहकर मजदूरी एवं लेबर को ले जाने का कार्य करता था और लेबर का पेमेंट अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करता था। इस बात को लेकर आरोपी रामलाल और संतू लाल से उसका विवाद हुआ था। विवाद के इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने मृतक कन्हैया लाल को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और उसकी लाश को छिलपिपरिया के जंगल में फेंक कर मौके से फरार हो गए। दरअसल एक फॉरेस्ट कर्मचारी की सूचना पर 9 मार्च 2018 को के ग्राम झील एमलिया के जंगल में दुधिया नाला के पास कोई अज्ञात लाश छत बिछत आलस में पड़ी है। इस सूचना के आधार पर थाना डूणा सिवनी में मर क्रमांक 918 कायम करके और इसको जांच प्रारंभ की गई थी। एसपी महोदय के निर्देशन में स्वयं एसपी महोदय भी घटनास्थल पर गए थे और उनके मार्गदर्शन में इसकी जाँच अज्ञात मृतक की जाँच की जा रही थी। और मर्ग जाँच के दौरान में ये पता चला कि थाना नैनपुर की पुलिस चौकी ये प्रेड़ाई, उस प्रेड़ाई चौकी के अंतर्गत मृतक कन्हैया मरा भी वहाँ का रहने वाला था। उसके बारे में उसके परिवार वालों ने वहाँ गुम इंसान कायम कराया हुआ था। उस गुम इंसान की जांच के सिलसिले में वहाँ से उन लोगों को तलब किया गया। वहाँ का स्टाफ यहाँ आया और स्टाफ के साथ में मृतक कन्हैया का भाई लच्छीराम आया और उसने मृतक के उस समय घटनास्थल पर जो कपड़े बेल्ट जूते जो मिले हुए थे उनके आधार पर उसकी शनाख्त की पहचान करा कि ये मेरा भाई मृतक कन्हैया है। और उसके द्वारा संदेह जारी किया गया कि कन्हैया को सत्तू मरावी और रामलाल ये दो लोग उसके साथ में थे, मजदूरी करने जाते रहते थे। सत्तू मरावी का पैसा मजदूरी का पहले से कहीं नहीं दिया था, उसी लेन देन से रंजिश थी कुछ और इन लोगों ने संभवतः मार दिया है। पुलिस द्वारा इसकी पीएम रिपोर्ट के बाद में मृतक के चोटों के संबंध में क्वेरी कराई गई। क्वेरी के बाद इसमें जो है 16 तारीख को अभी 16 मई को इसमें 302 201 34 का अपराध कायम किया गया। अपराध कम के इस कायम करके इसमें विवेचना प्रारंभ की। विवेचना में इसमें अभी एक आरोपी रामलाल को गिरफ्तार किया गया है और सत्तू मरावी की अभी तलाश जारी है। क्यों सत्तू मरावी पट से बोले शादी में चलना, बोले सिवनी, इसलिए उसको साथ में लेकर के आया था और नगजर बाईपास में आने के बाद में सीधे राइट हैंड चले गए सर कंडी पार, तो अचानक वहाँ पर उसने सर झगड़ा हो गया सर। किस किस का? कन्हैया लाल का और संतू मरावी का, पैसा के मामले में सर। तो उसने लाठी मार दिया पहले सर, लाठी मारने के बाद में वो गिर गया। गिरने के बाद में सर फिर उसका साइड में घसीटने के बाद में सर मतलब बारसा में नहीं जाकर उसने पत्थर से कुचल डाला सर को जी। अच्छा ठीक है।